में ही नहीं है, कोशिश कर रहे हैं सर। हमारे जो वार्ड में और पेशेंट मिल रहे हैं से वो नहीं है, फंगस के कहीं भी नहीं है। सब आ गए, ठीक है निकाल दो की व्यवस्था कर रहे हैं बेटी है, जैसे ही संभव आज कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। अब हम लोग फिलहाल ठीक है। हमारे पापा को ब्लैक फंगल इन्फेक्शन हुआ है, वो अपोलो हॉस्पिटल ग्वालियर में एडमिट हैं, मगर हम लोग बहुत ट्राई कर रहे थे कि उनको इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे थे, जिस वजह से उनका एक आंख निकाल दी गई। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया, वहाँ पे हर किसी से बोला कि सर हम लोगों की हेल्प कीजिए, मगर हम लोगों को कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनको इंजेक्शन की सख्त नीड थी। और जो वहाँ के डॉक्टर ने बोला था कि अगर आपको आगे इंजेक्शन नहीं मिले इनको, तो वो इनकी दूसरी आंख भी चली जाएगी, उनको उसको भी निकालना पड़ेगा। इसलिए हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे। अभी हम लोगों ने सर कमिश्नर से इनसे कलेक्टर सर से टीकमगढ़ के से बात की, तो उन लोगों सर ने और विधायक सर ने हमारी बात सीएम सर से करवाई। उन्होंने बोला है कि वो हमें डेली इंजेक्शन अवेलेबल करवाएंगे, और जो हम लोगों के पैसे एक चेतन सविता करके थे, तो उन्होंने मतलब हम लोगों को इंजेक्शन देने के बहाने फ्रॉड किया था, तो वो भी हम लोगों को वापस मिल जाएंगे। ये चेतन सविता ये ग्वालियर का ही है, गिरफ्तार हुआ इसकी शिकायत। हाँ गिरफ्तार हो चुका है। और कितने इंजेक्शन की जरूरत है? अभी हमारे पापा को पर डे के 5 इंजेक्शन चाहिए, और उनको टोटल 60 इंजेक्शन की जरूरत है, लेकिन अभी 10 दिन में सिर्फ 10 ही इंजेक्शन उपलब्ध हो पाए हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से हम लोगों को मिल पाए हैं। अच्छा, ग्वालियर कलेक्टर से भी बीसी में सीएम ने बात की, लोग क्या कह रहे हैं? जी उन लोग उनने सर ने बोला है कि वो जितना हो सकेगा हमारी हेल्प करेंगे, और डेली अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करेंगे।